हिजबुल्ला के बैक टू बैक हमलों से इजराइल थर्रा उठा है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने आईडीएफ को अभी तक की सबसे बड़ी चोट दी है। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला ने दक्षिणी हाइफा में बने बेनियामिना बेस पर ड्रोन हमला करके एक बार में आईडीएफ के 60 से ज्यादा सैनिकों को घायल कर दिया। इस हमले में 4 जवानों की जान भी चली गई है। लेकिन अब हिजबुल्ला ने एक बार फिर से आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला ने लाबुने में आईडीएफ पर रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर किया और इस हमले के बाद जब खालेत वारदे में आईडीएफ के सैनिक इकट्ठा हो रहे थे तब उनके ऊपर भी ऐसा ही हमला किया गया। लेबनान की न्यूज एजेंसी अलमयादीन के मुताबिक मेरकाबा की तरफ से आईडीएफ की एक पैदल ब्रिगेड लेबनान में घुसपैठ कर रही थी और तभी उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। और इस हमले के बाद लाबुने में एक बार फिर से आईडीएफ के ऊपर कई राउंड रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले के बाद कब्जे वाले शिबा फार्म्स के जिब्दीन बैरिक्स में भी आईडीएफ के ऊपर एक रॉकेट अटैक किया गया और जब तक इजरायली फौज संभल पाती उससे पहले ही हिजबुल्ला ने फिर से हाइफा के स्टेला मारिस नेवल बेस पर कई रॉकेट फायर कर दिए और इसी दौरान मारून अल रस में भी इजरायली सेना पर हमला हुआ। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो जैस जियोना का है। यहाँ पर एक खड़ी कार पर मिसाइल आकर गिरती है जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। आईडीएफ का कहना है कि हाइफा इलाके में 10 रॉकेट फायर किए गए जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। आईडीएफ के मुताबिक नेतन्या बकाल गर्बिये और आसपास के कस्बों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। आईडीएफ का ये भी कहना है कि दोपहर के करीब कारमेल में 15 रॉकेट फायर किए गए लेकिन इन हमलों के बीच आईडीएफ ने हिजबुल्ला की राडवान फोर्स के एंटी टैंक मिसाइल एरे के मुखिया कामेल नईम को ढेर कर दिया है। ये हमला नबातिया में हुआ है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने ऐलान किया है कि वो हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट 127 को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्ला की ये यूनिट ड्रोन्स के प्रोडक्शन, उनकी मरम्मत और ऑपरेशंस का काम संभालती है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि एता अल शहाब में उसने इजरायली फौज को पीछे खदेड़ दिया और इस हमले के बाद पूर्वी नेतन्या के बेत लिद बैरेक्स में आईडीएफ के जमावड़े पर रॉकेटों का जत्था दाग दिया और इसी दौरान हिजबुल्ला ने किरियत शमोना में भी कई रॉकेट फायर किए। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया है कि मेरकाबा के बाहरी इलाके से आईडीएफ ने फिर से घुसने की कोशिश की तो उसके ऊपर तुरंत जवाबी हमला किया गया और उसके बाद एताल शाब में फिर से हिजबुल्ला और आईडीएफ की तगड़ी भिड़ंत हुई है। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने रमौत नफ्ताली सेटलमेंट और रुशत अल अलाम बेस पर आईडीएफ की पोजीशंस पर रॉकेटों का पूरा झुंड दाग दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने इसी हमले के दौरान कारमेल सेटलमेंट और जीवन सेटलमेंट पर भी रॉकेट अटैक किया है और इस हमले के बाद पूर्वी मेरकाबा के इलाके में इजरायली सेना पर फिर से रॉकेट फायर किए। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने मिजगावम साइट पर भी ताबड़तोड़ गोला बारूद दागा है और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने आईडीएफ के सैनिकों की तरफ रॉकेटों का साल्वो फायर किया और इसके कुछ ही मिनटों बाद मर्ज में आईडीएफ की पोजीशंस को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है और शाम होते होते हिजबुल्ला ने सफाद शहर पर एक बहुत बड़ा रॉकेट अटैक किया। हिजबुल्ला का यह भी दावा है कि उसने आयताल शहाब में आईडीएफ के मेरकावा टैंकों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया जिसकी वजह से टैंक में आग लग गई। हालांकि इन हमलों में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ इस बात की अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।